पिछले दिनों यूपी के अमेठी जिले के रहने वाले आरिफ और सारस की दोस्ती चर्चा में रही थी। दोनों की दोस्ती सुर्खियों में आने के बाद वन विभाग ने आरिफ से सारस को लेकर उसे कानपुर चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया था। मंगलवार को एक बार फिर से अमेठी से कानपुर चिड़ियाघर में बंद सारस से मिलने आरिफ पहुंचा। सारस का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को चिड़ियाघर के अंदर जाने की अनुमति दी गई। चिड़ियाघर के अस्पताल विंग में सारस को एक बड़े से बाड़े में रखा गया था। ऐसे में बकायदा पूरे प्रोटोकॉल के तहत चेहरे पर मास्क, हाथों में ग्लव्स और बालों में कैप पहनाने के बाद आरिफ को सारस के पास ले जाया गया। जैसे ही सारस ने आरिफ को देखा, वो अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने पंख फड़फड़ाने लगा और बेचैन होकर इधर उधर भागने लगा। ये नजारा देखकर ऐसा लगा कि सारस आरिफ से मिलने की खुशी जाहिर कर रहा है। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव, जो कि शुरू से ही सरकार पर हमलावर हैं, जब से सारस और आरिफ अलग हुए हैं तब से वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो के बीच में अखिलेश ने अपनी और आरिफ की एक तस्वीर ट्वीट की। ये कोई आम तस्वीर नहीं है। इसमें अखिलेश के साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने जो टी शर्ट पहन रखी है उसमें उनके दोस्त सारस की तस्वीर बनी है और उस पर लिखा है सेट मी फ्री, यानी मुझे आजाद करो। अखिलेश ने इस ट्वीट के साथ में कैप्शन लिखा कि हुक्मरानों से है परिंदे का बस यही कहना, आजाद कर दो हमको पिंजरे में नहीं रहना। अखिलेश के ट्वीट पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई अखिलेश के ट्वीट की तारीफ कर रहा है तो कोई अखिलेश को इस मुद्दे पर घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वादा है आरिफ भाई, 10 मार्च को साइकिल आएगी तो सबसे पहले सारस फ्री होगा। वहीं एक यूजर ने इसी मुद्दे पर अखिलेश को घेरते हुए कहा कि ये कभी सीएम थे, आजकल तो इनके ट्वीट से लगता है कि सपा का काल सारस और सांड। इसी के साथ एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि अखिलेश भैया ये वाली शायरी बहुत अच्छी है, लेकिन लिखे किसके लिए है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान को जेल से आजाद करने के लिए तो नहीं बोल रहे, क्योंकि योगी बाबा अभी इन लोगों को जेल में डाल रखे हैं। फिलहाल आरिफ और सारस की दोस्ती एक बार फिर से चर्चा में है, जहां आरिफ को देखकर सारस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश के ट्वीट का कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।